भैया? अनवर साहब, बेवफा निकली मुझे जिसकी वफा पे नाज था, जिंदगी के सफर में ये भी साथ छोड़ूंगा। अरे साहब, बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है, ये तो घर बेचारी चप्पल। ये तो ठीक है यार, मैं चला कैसे जाएगा? आइए वहां बैठकर सोचते हैं कि घर तक कैसे पहुंचेगा। यार तुम्हारे पास भी तो फालतू चप्पल थी, फिलहाल इसको उठाओ। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जि चंदा ना बंदे दीदा तू होवे। अंदर साहब आमद आमद यानी नजूल अफकार। मतलब लगा सुनाइए। अर्ज करता हूँ कि खार दुनिया में हुए। बाबा खार दुनिया में, हाँ इधर देखिए, खार दुनिया में हुए दिल की कहानी कह के। खार दुनिया में हुए दिल की कहानी, वाह वाह। खार दुनिया में हुए दिल की कहानी कह के, अरे हम तो पछताए जवानी को, जवानी कह के। वाह वाह, मेरी मुश्किल हल कर दी। अदाबर करता कुछ फंस गया था। जी हाँ, यही तो मुसीबत है यार, मेरी शायरी का सेकंड गियर हमेशा फंस जाया करता। हकीकत यह है असलम साहब कि आपका जवाब जवाब तो देना पड़ेगा। आपकी आमद से मुझे भी आमद हो। वाह, तो फिर दरामद कीजिए, मैं हमा तनगोश हूँ। शेर अर्ज करता हूँ। जी सुनिए, किसे सुनाऊं फसाना मैं जिंदगानी का। कहा किसे सुनाऊं फसाना मैं अपनी नानी की, क्या जिंदगानी, जिंदगानी किसे सुनाऊं फसाना मैं जिंदगानी का। हाँ हाँ, और फलक ने लूट लिया बाग नौजवानी। हाँ हाँ हाँ, फलक ने लूट लिया बाग नौजवानी का। वाह वाह, खुदा की कसम अनवर साहब, आप भी दिल पर चोट खाए हुए इंसान मालूम होते। दुरुस्त का आपने, मैं आपकी नजर की दाद देता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर इस बात का क्या बनेगा कि ना सुबह से नाश्ता ना चाय ना खाना, इसकी दाद मैं किसको दूँ? असलम साहब, मेरा ख्याल है कि आप अपनी घड़ी और अंगूठी बेच दीजिए। हरगिज नहीं, छोड़ो यार ये बकबक, और कुछ केटू का सिगरेट निकालो, दिल तो जल ही रहा है, जरा कलेजा भी जला। जलाओ लो, ये आखिरी सिगरेट है। आखिरी सिगरेट मारा, गुजारा कर लेते माचिस। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे मिले नौकरी ते बेड़ा पार होवे, जिथे माचिस ते तीलियों दा प्यार होवे। यार अनवर, तो इंग्लिश में एमए और मैं उर्दू में एमए, तेरे पास क्लासिक मौसीकी का डिप्लोमा और मेरे पास अवामी मौसीकी का डिप्लोमा, तू अदब का शायर और मैं अवाम का शायर, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि सिगरेट के तोते पी रहे हैं और माचिस का इंतजार कर रहे हैं। हे हे, हे मिस्टर शुतुरमुर्ग, राव। ये शुतुरमुर्ग का बच्चा कौन है? फरमाइए। इसे हट के बात कीजिए साहब, आपको नजला है। मेरा नाम ही मिस्टर नजला है। वेरी सॉरी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी। तेरा माचिस है? माचिस है, लेकिन इसमें एक ही तीली है। कोई बात नहीं, हम एक ही तीली से गुजारा कर लेंगे। बैठिए तो शुरू करते। शुक्रिया। अरे ये तो भूल गई और नहीं, अरे एक तीली और, झूठ बोलते हो यार। इतना पतला आदमी। लीजिए शौक फरमाइए जरा, होंठ बचा के। आप फिक्र न करें, ऐसे ऐसे टोटे तो मैंने बहुत किए हैं, ये तो बहुत बड़ा है। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर नजला। हेलो, आपसे मिलाइए, सिगरेट मुझे दीजिए। आप लोग भी कोई मुजाहिदी मालूम होते हैं? जी हाँ, तीर से तलवार से। वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाए, वो रूप है, है। वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माए घटाए, मैं खान निगाहों पे अदाओं के तराने, बेडाल मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। हाँ
ऐसी ही एक रात थी, हाँ ऐसी ही एक रात थी, ऐसा ही समा था, ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवा था, एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था, एक हुस्न के दिल से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। कश्मीर के वादी के वो पुर कैफ नजारे, कश्मीर है है, लम्हात मोहब्बत के जहां हमने गुजारे, अंगड़ाइयां लेकर मेरी बाहों के सहारे, गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे, और मेरे बाल सवारे, एहसास का जज्बात का इजहार हुआ था, एक हुस्न के दिल से मुझे प्यार हुआ है, प्यार हुआ था। कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, कुछ रोज है है, कुछ कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, उस हुस्न के देवी ने भी नजरों को फिराया। तुम ठीक कहते हो बेटा, ये गाना नहीं, गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, हाँ चल मेरे हाथों से मोहब्बत ने छुड़ाया, एक रात को उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा, जल्दी वो कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा, सोया हुआ मैं नींद से, तो दिल का बोझ हल्का करने और हम हलत करने चला आता हूँ बेटे। आपका नाम क्या है बाबा? नाम तो याद नहीं बेटा, लेकिन लोग मुझे रागी बाबा कहकर पुकारते हैं। अच्छा अच्छा, तो रागी बाबा आप हैं? हाँ बेटा, वो बदनसीब रागी बाबा मैं ही, रेडियो से कुछ मिल जाता है उन्हीं में से अपनी आंखों के इलाज के लिए कुछ बचा लेता हूँ। तो क्या आपको बिल्कुल नजर आता? नहीं बेटा, डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये आंखें बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती। कितने पैसे चाहिए तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए? कम से कम 3,000 रुपया। 3,000? अबे चुब्बे, 3,000 हो गया तो क्या हो गया? खुदा की कुदरत से कुछ वईद नहीं, मायूस ना हो बाबा, अगर खुदा ने हमारी सुन ली तो तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हम कराएंगे। अच्छा बेटा, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम्हारी इस हमदर्दी का शुक्रिया। अच्छा, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। मगर चलते चलते एक नसीहत सुन ले बेटा, कि दुनिया में किसी को अपना ना समझना, अपना ना समझना। दुनिया में कभी किसी को अपना ना समझना। हम तो समझे थे कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही दुखी हैं, लेकिन आज मालूम हुआ कि अरे अनवर साहब, आपको क्या हो गया है? आप कहाँ पहुंच गए हैं? एक बेवफा का है, बेवफा याद आ गया। क्या याद कर रहा था मैं, क्या याद आ गया? मेरे ख्याल में अनवर साहब आपको फिर दौरा पड़ने लगा है नजदीक का, बेहतर यही है कि खड़े हो जाइए। अनवर साहब, ये क्या लफड़ा है? उस्ताद, ये दंगल कहाँ हो रहा है? अबे शोला रुक, नाम तो बहुत अच्छा है यार, है? मिस्टर, इसका दूसरा नाम तिरछी नजर है, एक ही नजर में तख्ता कर देती है। वाह, कभी टकरा गई तो बता देंगे कि वो तख्ता करती है कि हम तख्ता करते हैं। मैंने कहा यार, फिलहाल एक पोस्टर दो, ले जाओ, एक ही बच्चा। चलो जी, गल मुखी झगड़ा चुका। अजीम शान मुकाबला, शोला रुख पहली बार मारा।
ये गेस्ट हाउस है क्या नाटक? देखिए बुजुर्गों, कभी जवानी आप पर भी आई होगी। हम पर ऐसी बेहूदा जवानी नहीं है और ना ही हमारे जमाने में ऐसी बेहूदा तस्वीरें थी। ओहो, तो आपके जमाने में हम जैसे खूबसूरत नौजवान भी तो नहीं थे। आप जवान नहीं, जान लूंगी है दोस्त है। मारा। चलिए मीर साहब, चलिए आला शब्बो को बुला के लाते हैं और इनकी ये बदतमीजी दिखाते हैं। चलिए चलिए। आला शब्बो तो आखिरी शो देखने गई है। कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, बाज बाज नहीं, बाज बकाज। बाज हमेशा अकेला रहता है बेटे। आप भी सुकरात से कुछ कम नहीं है अब्बा जान। थैंक यू बरखुरदार। ये खान साहब सो रहा है या दम निकल रहा है इसका? मेरा ख्याल है इसके गले में कोई हड्डी फंसी हुई है। तुम जान लो दस से ना। कौन है आप और ये पिछले दरवाजे से क्यों आए? अनवर साहब जरा बता दीजिए। जी हाँ जी हाँ हुजूर, कुछ तो इस दुनिया के रास्ते ही आगे पीछे और कुछ हम लोग गलत रास्तों पर चलने के आदि हो गए। ज्यादा आप आगे पीछे के सवाल को छोड़िए और ये खत मुलाजा कर पाइए। ये खत बाजवान पड़ी। तीन सीटें रखी थी, अगर उन्होंने आपको भेज दिया है तो तशरीफ रखिए। थैंक यू अनवर साहब। सीटों वातीन और हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर म्यूजिक सेंटर में दो क्लासें, एक लड़कों की और दूसरी लड़कियों। लड़कियों की म्यूजिक क्लास की खिदमत मैं अंजाम देता हूं और लड़कों की म्यूजिक क्लास के मुंतजिम प्रोफेसर अरसलान। इस मुकाबले के लिए प्रोफेसर अरसलान ने मुल्क के मशहूर और मारूफ उस्ताद आजम खां का इंतखाब किया और मैंने नामवर मौसिकारा और रकासा शोलारुख को बुलवाया। लाहौर की तारीख में यह पहला मुकाबला है जिसमें मशहूर मुगनिया मिस शोलारुख को पेश किया जा रहा है। लिहाजा मैं प्रोफेसर अरसलान से दरख्वास्त करूंगा कि वो पहले अपना इंतखाब पेश करें। हजरात, उस्ताद आजम खान साहब का नाम नामी किसी तारीफ का मोहताज नहीं। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमारी इस महफिल को रौनक बख्श रहे हैं। जनाबे उस्ताद आजम खान साहब। जी हजरात, ज्यादा बेचैन ना, अब मैं भी पर्दा उठाए देता हूं। मिस शोला रो अब आप लोग तलवार और कटार का मुकाबला मिला पाए। तो पहली नजर में तख्ता हो गया, अब ये क्या मुकाबला करेंगे? गैरी से चुप करो। माफ कीजिए, मैं आज नहीं गा सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब, मुझे घर ले चलो। ले समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। ये मोर्चा तो बगैर जंग के ही फतह हो गया।
अब तो आप लोग सिर्फ मिस शोला रुख की कवाली सुन सकेंगे। खैरिये प्रोफेसर साहब, मुकाबला होकर रहेगा। मिस शोला रुख को चैलेंज किया जाता है कि वो अपना तानपुरा संभाले और मेरे शागिर्द के मुकाबले में आए। मगर यार, मैं इस मोमबत्ती से क्या मुकाबला करूं? पर खुदार, मुकाबला होकर रहेगा, क्योंकि ये मर्दों की इज्जत का सवाल है। तो माफ करना, ये मोमबत्ती नहीं, इनका नाम मिस शोला रुख, समझ? और आपकी तारीफ? यार अनवर साहब, जरा मेरा तारुफ करा दो। तो फिर पूरा करवा दूंगा, जरा तारुफ निकालिए। हजरत, मेरे शागिर्द का नाम फानूस यानी चराग है, और ये बहुत ज्यादा अखबार है, शाम से चटान भी हिल जाती है, जिसकी अलाव से पानी में भाप उठने लगती है, जिसकी कसम के पड़ने से मौसम भी पलट जाता है, जिसके मदार से बादल करने लगता है, जिसके दीपक से अंगारे बरसते हैं, और जिसकी आवाज से छोले निकलते हैं, ये साफ नामे मौसम से यानी मेरा शागिर्द, मेरा। बस करो मेरे बच्चे, क्या ये सूट वाला मुझे कुछ खतरनाक नजर आता है? समझाओ के बेसमझे चले आए हैं, नजर करने के लिए पूछ लो क्या लाए हैं, जान लाए जिगर लाए हैं, दिल लाए हैं, नाज है इश्क पे हम यूं ही नहीं आए हैं। नाज कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर, नाज कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर, हुस्न पानी है तेरा, हुस्न पानी है तेरा, देख बहुत नाज न कर, नाज कर नाज मगर, नाज कर नाज मगर इश्क पे यूं नाज न कर, नाज कर नाज मगर इश्क पे यूं नाज न कर, कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर। मेरी चाहत में तेरा दिल जो न धड़का होता, मैं तेरे मेरा नाम न रुसवा होता, मेरी चाहत में तेरा दिल, ओ मेरी चाहत में तेरा, कैसना अफसाना लैला होता, किसाए कैसना अफसाना, किसाए कैसना आ बेकार था, करे इश्क ना मेरा होता, तू ही के दे
नाज कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर, नाज कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर। नाज मगर नाज कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर, नाज कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर। हरगिज नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? इसलिए कि हमारी मौसीकारा इन लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी। तो पहले मुकाबला शुरू क्यों होने दिया? पहले तो शोला रुख के जीतने का इंतजार करते रहे, जब वो हार गई तो पसरने लगे। तमीज से बात कीजिए मिस्टर अरसलान। मैं बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूँ। कानून की रूह से ये मुकाबला नहीं जीता गया। कानून की रूह से ये कप और 10,000 हम जीत चुके हैं। ठीक है जज साहब, आप ऐसे क्या कर रहे हैं? इधर आइए और तस्वीर कराइए। लफड़ा क्या? देखिए जनाब, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुकाबला जीता जा चुका है, लेकिन कानून के एतबार से ये मुकाबला गलत है। इसलिए इस मुकाबले को अगर किसी दूसरे मुकाबले पर रखा जाए तो बेहतर होगा। मैं आपके फैसले की तायद करता हूँ। हम भी तस्लीम करते हैं। बस जी, गल मुखी झगड़ा चुका। लो जी, अपना कम ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर इसको हासिल करेंगे। अच्छा, हाँ जी, मैंने आपसे अर्ज किया था ना, ये सूट वाला खतरनाक आदमी। प्रोफेसर साहब, माफ कीजिएगा जनाब, कभी कभी यूं ही रैश हो जाता है ये। एक्सक्यूज मी। चल चलिए दुनिया दे नुकरे, जिसे बंदा शोला रुख, आज तुम हार गई। जिंदगी में पहली शिकस्त, पर पहली तुम कितने पानी में, ये आज पता चला। किसी ने आज तुम्हारे गुरूर का सर झुका दिया। बहुत नाज था तुम्हें अपने हुस्न पर, आज वो नाज रखा है। लेकिन मैं उसे जीत के रखूं। ये शिकस्त और शोला रुख हरगिज़ नहीं। नाज कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर, नाज कर नाज मगर हुस्न पे यूं नाज न कर। हुस्न पानी है तेरा, हुस्न पानी है तेरा। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने तो कमाल कर दिया, वो हाथ दिखाया कि दुनिया लोहा मान गई। प्रोफेसर साहब, लोहा माना नहीं जाता, लोहा मनवाया जाता है। अनवर साहब, वो मैंने जो लोहे के मुतालिक एक शेर तहरीर फरमाया था, जरा याद तो करवाइए। हथौड़े का जिक्र। हथौड़ा है, अर्ज किया है कि आप शायर भी हैं? अजीज सुनिए तो सही, शायर है। कहता है कि जमाना ऐसे वैसों को कहाँ खातिर में लाता। जमाना ऐसे वैसों को कहाँ खातिर में लाता है? कहता हूँ कि जमाना ऐसे वैसों को कहाँ खातिर में लाता है। अरे हथौड़ा करता है तो लोहा मानता है। आप तो कोई साहेब कमाल मालूम होते हैं। अजी साहेब कमाल नहीं, इब्ने कमाल। इब्ने कमाल
अरे साहब, आप जैसे तो सदियों के बाद ही पैदा होते हैं। प्रोफेसर साहब, किसी रोज हम आपको दीपक राग गाकर सुनाएंगे और आपका ये म्यूजिक सेंटर आपके शोलों में चला कर रहा है। मैं तो आपका एग्रीमेंट कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, बताइए आप तनख्वाह क्या दे रहे हैं? चुप पे बदतमीज, रईस कभी तनख्वाह की बात नहीं करते। जानते नहीं कि हम रईस इतने रईस? तो पाजी, और ठीक है पाजी। प्रोफेसर साहब, आप इसकी बातों पे ना जाइए, दरअसल ये हमारा चमचा है। आप हमारी तरफ देखिए, हम फनकार जो फन के लिए पैदा होते हैं वो फन की कीमत नहीं लेते। क्यों साहब? क्या आप अपनी खिदमत का मुआवजा नहीं लेंगे? मुआवजा? हेलो, हमारी तकदीर का फाटक। अजी मुआवजा क्या लेना, हम रईसों ने बस सिगरेट पानी के लिए 2-3 हजार रुपए महीना दे दिया करे, बाकी खर्चा आप जाने क्यों निकाल मुझे। वाह सलमू साहब, क्या बाकी खर्चे की बात की आपने, यानी दरिया को कूजे में बंद कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजी देखिए, लाम का ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या फायदा, हम तो 100 की 1 बात करते हैं। देखिए आपको हमारे इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा। भाई हम यही रह लेंगे, क्या बात है। तो फिर ऐसा कीजिए, आप कल सुबह 10 बजे यही तशरीफ ले आइए, आपका एग्रीमेंट तैयार रहेगा। फिलहाल ये प्रोफेसर साहब, मैं जानता हूँ कि आप किराए के लिए हमें पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम खानदानी वकार को ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, हम आपका भी दिल रख लेते हैं। अनवर साहब संभालिए। अच्छा जी, फिर हमें इजाजत दीजिए। जिंदा। आप और इस वक्त यहाँ? फनकार में तड़प ना हो तो वो फनकार। बेडरूम में यहाँ इस तरह बगैर इतला के आपका आना कुछ मुनासिब नहीं। देखा, जब सितारा पलटने पे आता है तो यूं पलटता है कि शोला रुख को भी पलट देता है। लो सिगरेट। माजी, मानते हो नजले क्या सब पलट पलट के मारा है? बल्कि तड़प तड़प के। बेशक छीक है जा बेटे, अरे तेरी छीक ने तो शोला रुख का तख्ता किया है। अच्छा? हाँ। वरना झापड़ खाए। इसका मतलब यह है कि आज से हमारी किस्मत पलट गई है। अरे किस्मत क्या हुआ, आप श्री क्यों हो गए? क्या नजर आ रहा है? मैं खुद हैरान हूँ। ये लीजिए, अपने आपको संभालिए, होश में आ जाइए। फौरन नजले तुम क्यों यार? मेरा ख्याल आप तशरीफ ले चलने चाहिए। देखिए क्या हो रहा है। आला जान रोजाना कहती थी कि निकाल दूंगी निकाल दूंगी, आज उन्होंने सामान निकाल के फेंक ही दिया। अब क्या होगा? अबे छींक के बचे तेरी इस छींक ने शोला रुख का उधर तख्ता किया, उधर हमारा तख्ता कर दिया। खबर आ रहा है मेरी छींकता रहता है। अबे तेरी छींक से खाला उठ जाएगी। सुनो, प्रॉब्लम यह है कि अब हम सोएंगे कहाँ? यार अगर यहाँ से बाहर चले गए तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बेहतर यही है। असलम साहब, एक मशवरा दूं? दो। मैं समझ गया। हाँ, यही इस्तराहत फरमाई। यानी कि तुम्हारा मतलब कि यही पर कैलूला फरमा? ठीक है। धीरे से आ जा रही समियान पे निंदिया, आ जा रही धीरे से आ त्यौने त्यौने। एक हुस्न के देरी से मुझे प्यार हुआ था है, प्यार हुआ था, दिल उसकी महब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न के देरी से हुआ था है, प्यार हुआ था। गुड मॉर्निंग खाला। इधर आओ। मारा 10 बज गए। अरे भाई, हमने तो एग्रीमेंट के लिए भी जाना था। अबे मेरा मुंह क्या तकरा, उठ के सलाम कर खाला जाना। अस्सलाम वालेकुम खाला। जी इधर आओ खाला जान, अब हम जा रहे हैं, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। हमारा कहा था ना माफ कर दे। असलम साहब, ये क्या है? ये ताश के पत्ते हैं यार, कभी उधर कभी इधर। इजाजत हो तो खाला को दे दे। नहीं किराता खाला, ये 200 रुपए लीजिए और हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए।
आखिरी सलाम? न जाने क्या बकरे, आखिरी सलाम कैसा? तुम हमें रोज घर से निकालती थी ना खाला जान, इसलिए आज हम दुनिया ही छोड़ के जा रहे हैं। अरे क्या तू अभाई तबाही बकरिया है, दुनिया छोड़े तेरे दुश्मन। हाला इसका मतलब यह है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें रहने को जगह मिल गई। रहने को जगह मिल गई है? हाँ खाला, और वो हमें नौकरी भी मिल गई अब तो। तो इसका मतलब है तुम यहाँ नहीं रहोगे? बिल्कुल। हाय अल्लाह, तो इसका मकसद है कि तुम मुझसे नाराज होके जा रहे हो? अरे नहीं खाला जान, तुम्हारे सर की कसम हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं। तो फिर तुम यहाँ क्यों नहीं रहते? खाला बात दरअसल ये है कि हमें नौकरी के साथ साथ रहने को कोठी भी मिल गई है। या अल्लाह मैं तेरे कुर्बान, तूने इन बिचारों की भी सुन ली, लेकिन तुम चले जाओगे तो मैं किस पर नाराज होंगी, किसे डांटा करूंगी? खाला जान हम कभी ना कभी आ जाया करेंगे, हमें जी भर के डांट लिया करना। मैं तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझती हूँ बेटे। हमने भी कभी माँ से कम नहीं समझा। अच्छा बेटे चलो नाश्ता तो कर लो। पढ़ लो यार, बड़े चलो यार, चलो कर ले। अच्छा बेटे तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? बताओ यार खाला, खाला को भूलने वाली? आप आपके नाश्ते को, आपके दरवाजे को कौन भूल सकता है? अच्छा कसम खाओ कि तुम यहाँ आया करोगे। खाला जान हमें तुम्हारी कसम कि हम आपको कभी नहीं भूल सकते, हम आया करेंगे। खाला जान आपने हमें माँ का प्यार दिया है और औलाद माँ को कभी नहीं भूल सकती। बस गाल मुखी चला चुका है यार, रास्ते में जरूरत पड़ेगी, अब जल्दी जाना है, लेकिन खाला जाना है जी, एक जगह भी एग्रीमेंट होना है हमारा। दौलत मिलनी। खाला बिस्कुट बहुत अच्छे का, इसको क्या करूं? अनवर चली चलिए दुनिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा तुम्हारी दुआ से खुदा ने हमारी सुन ली है, अब हम तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन जरूर कराएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द करवाएंगे। खुदा तुम्हें तौफीक दे बेटा, मगर कम से कम अपना नाम तो बता दो। असलम भी है और सलमू। सलमू असलम। बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो? कराची का बाशिंदा हूँ और फिलहाल लाहौर में मुकीम हूँ। और तुम्हारे माँ बाप? माँ बाप की बात मैं करूँगा, हम दोनों तो यतीम खाने में पले हैं। यतीम खाने में? हाँ बाबा, और बड़ी मुश्किल से जवान हुए। काश तुम्हें इस वक्त देख सकता कि तुम कैसे जवान हो। खुदा पर भरोसा रखो बाबा, इंशाल्लाह एक दिन जरूर देखोगे। खुदा मेरी बकाया उम्र तुम्हें दे दे और कदम कदम पर कामयाब करे, अब तो मुझे दुनिया देखने की नहीं तुम्हें देखने की तमन्ना है बेटा। अच्छा बाबा हम चलते हैं, कुछ दिन हमारा इंतजार करना। खुदा खुदा हाफिज़ बेटे, मैं जरूर इंतजार करूंगा, मैं जरूर इंतजार करूंगा, क्यों ना करूंगा। अरे पगले तू तो मेरा सलमू है, तू तो मेरा बेटा है। इलाही मुझे इन आंखों से इसकी सूरत दिखा दे, सूरत दिखा दे। बात है बाबा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे तुझे क्या बताऊं जग्गू, मिला तो वो पहले भी था, लेकिन आज तो ऐसा लगा जैसे मेरे सामने मेरा बेटा बोल रहा है। अरे बिल्कुल वही आवाज जैसे मैं जवानी में बोलता था, और नाम भी वही जो मैंने रखे थे, असलम और सलमू। लेकिन एक बात का अफसोस हुआ कि वो यतीम खाने में पला है। किसकी बातें कर रहे हो बाबा? अरे अपनी बातें कर रहा हूँ जग्गू, जवानी का वो गुनाह हूँ जो एक कहानी बनकर रह गया हूँ। मेरी एक भूल से तीन जिंदगियां तबाह हुई हैं, मेरी आंखें गई, बच्चा यतीम खाने में पला और बीवी का आज तक पता न चला। मैं तो उस दिन को रोता हूँ जिस दिन मैंने अपनी बीवी को मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में
तुम्हें ये रहेगी या मैं रहूंगी। लेकिन देंगे कुछ नहीं, अपने वादे याद कीजिए। आज तुमसे शादी करने के बाद आपकी प्यारी बीवी को छोड़ खुदा के लिए ऐसा ना कहो। मेरे मासूम बच्चे पर रहम करो, मुझे घर से ना निकालो। नहीं हरगिज नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। खुदा के लिए बीवी ऐसा ना कहो, मैं इस घर में नौकरानी बनकर रह लूंगी। मासूम बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ से निकल जाओ। खानम ये तुमने क्या किया? चुप रहो, निकलो निकलो। नहीं नहीं इसके बाद कुदरत ने मुझसे इंतकाम लिया। एक हादसे में मेरी आंखें जाती रहीं और अब 24 बरस भटकने के बाद ये दिन देखना नसीब। मोहल्ले वाले डर जाएंगे। बड़ा करते हैं आप, अभी आपने तलवार। एक अंग्रेजी नई फिल्म रिलीज हुई है तो उसकी 3 टिकटें ले आ। कौन सी फिल्म? कौन सी? अबे फिल्म का नाम है जख्मी नागन उर्फ मजबूर हसीना। उस्ताद उस पे तो बहुत रश है, अबे ब्लैक में टिकटें ले लीजिए। माफ कीजिए, हमने जरा शॉपिंग के लिए जाना है। तो आप लोग जब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे, चलिए जब तक ये सेवी। जी नहीं शुक्रिया, जाइए जाइए। जितना छोटा दादा है उतनी ही मगर। पिक्चर का टाइम हो रहा, चलो। ए अब तुझे क्या हो गया है? उसे देखते ही अभी बता। विक्रम फरमाइए। क्या आज आपकी जी? हाँ जश्न, यानी कि जश्न पैदाइश। क्या आप हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी? प्रोग्राम में क्या, हम तो आपकी जिंदगी में भी हिस्सा ले सकते हैं। अनवर साहब आप भी कुछ फरमाइए, आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ये ख्याल है कि जरा हवा आने दीजिए, रास्ता साफ कीजिए। इरादे तो आपके भी खतरनाक मालूम होते। चलिए चलिए अनवर साहब। चल चलिए दुनिया से जितने बंदा ना बंदे। हाजरीन मजलिस, आज की ये पार्टी कुछ अनोखे अंदाज की। इस तकरीब का अनोखापन ये है नजला, आज से जिंदगी शुरू कर रहे हैं जिसकी तकरीब में ये इब्तदाई पार्टी। अब मैं इन 3 हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो भी इस सिलसिले में कुछ फरमाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी के मोजज खवातीनो हजरात, आपको यह सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि आज हमारी जिंदगी का पहला दिन है, यानी कि इस दुनिया में हम आज ही कदम रख रहे हैं, यानी कि इस दुनिया में हम आज ही पैदा हुए हैं, यानी कि हमारी जिंदगी का आगाज आज से होगा, यानी के गोया के चूंके चुनाचा के मगरचा के दरमियान में। हालांकि अलबत्ता अगर आप अपने जज्बात को और एहसासात को मद्देनजर रखते हैं, तबन्ना में तबाह की कैफियत को मलूज़े खातिर रखते हुए अगर आप, यानी कि हमें हमारी हौसला अफजाई कुछ फरमाएं और हमें इजाजत दें ताकि इस महफिल को दोबारा करें। अगर आप लोग तहे दिल से हमें मुबारकबाद देते हैं तो फिर हम इस केक को आगाज आजी से कर देंगे। तालियां। लीजिए आज हम पैदा हो चुके और हमारी जिंदगी का आगाज हो चुका। खमोश खमोश फुल्लाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप मिस शोला रुख और मिस नाजली का रख से बिस्मिल मुलायसा फरमाइए। नाजली नहीं, नाजनी नाजनी नाजनी।
कष्ट हम कितने मगरूर थे हो कितने मगरूर थे हो कितने सरसार थे कितने मकमूर थे हो कितने मकमूर थे की बांध के देख रहे हैं प्रोफेसर साहब। कलंदर तो मैंने बहुत से देखे हैं मगर आप जैसे कलंदर आज तक नहीं देखे। ये दुनिया बड़ी जालिम शह है प्रोफेसर साहब, ये शराफत से नहीं मानती, इसके लिए तो ताकत से, बहावत से, सियासत से, लगावट सजावट बातों से, हाथों से, और फिर भी न माने तो लातों से तैयार है। माफ कीजिए, लगा तो नहीं। आपका मुंह तो ढीला, कोई बात नहीं। प्रोफेसर साहब, हरफन मौला बनने के लिए इस कठपुतली को नचाना पड़ता है, ना नचाओ तो ये खुद नचा देती है। व्हाट इज योर आइडिया? एग्जैक्टली। और ऐसा नचाती है कि घर का रास्ता भुला देती है। आपके तो इशारों पे नाचती है आजकल। चाहिए, अरे भड़कता है सोना, भड़काने वाला चाहिए। तो फिर चलिए नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता तो कर ही लेंगे प्रोफेसर साहब, जरा ये बताइए कि वो इसमें मुखालिफ किस हाल में है? शेर लोहे की जाल में है या अपनी खाल में? हाँ,
सुना के शोला रुख मुकाबले की आजकल जबरदस्त तैयारियां कर रही है। जी कर रही है तो करने दीजिए। अपना तो बस एक ही नारा है कि बस बोलो। अगर आपका यही नारा है तो आपको कोई नहीं मार सकता। क्या हुआ मोहतर? अनवर साहब आमद आमद तो इतने नाम से उतरिए ना भाई। शेर अर्ज किया है कि उसको बंदूक न तलवार न खंजर मारे। अरे कौन मारे उसे जिसको न मुकद्दर मारे। मोहब्बत सूट तो फिर तुम्हें उसमें क्या नजर आ गया? फनकार एक जिसने मेरी रूह के सितार में सरगम छेड़ दी है, जिसने मेरे जज्बात को नगमात ऐसा साथ की फजा बदल दी। खुदा खैर करे, मुझे तो तुम्हारी हालत बड़ी खतरनाक मालूम होती है। ऐसे लग रहे तुम गए काम से। मैंने जरा सुनिए, आपने कुछ मुझसे कहा? जी हाँ, कि मैं एक मगरूर और सरकश लड़की हूँ। जी हाँ वो तो मालूम है, आगे फरमाइए। बड़े बड़े फनकारों के सर मेरे कदमों पे झुके हैं, लेकिन मैंने रास्ते का कंकर पत्थर समझ के ठुकरा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, ये मैंने भी सुना। और मुसीकी के सैकड़ों मुकाबले जीते हैं, लेकिन शिकस्त का मुख कभी नहीं देखा। तो क्या आप मेरा मुंह देखने आई? जी नहीं तो। तो ठीक है, मैं बाहर आकर खुली हवा में आपकी दास्तान गम सुनता हूँ। फरमाइए। अब क्या कहूँ? कुछ तो कहिए। मेरा मतलब है मेरी बकरी गुम हो गई है। जी नहीं, मेरी पहली शिकस्त आप, और इस पहली शिकस्त ने मेरी नींद उड़ा दी है। दिल का सुकून छीन लिया है, मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया है। दिल का यह हाल है कि धड़कता है और कुछ सोच के रुक जाता है। कैसे कहूँ इस दिले बेताब का हाल? आप मुझे समझते ही नहीं, आपके कहने की बात मुझे कहनी पड़ रही है। आपको मुझ पर तरस क्यों नहीं आता, रहम क्यों नहीं आता? आपकी हालत वाकई काबिले रहम है मोहतरमा। और आप मुझे तमाशा देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जी, 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 जी नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि आपकी सेहत के लिए दुआ कर रहा हूँ कि खुदा आपकी इस बीमारी को दफा करे और सेहत अता फरमाए। अगर आप मेरा मकसद ना समझे तो आपको खुदा समझे। अगर आपका मकसद मोहब्बत है तो फिर आपको भी खुदा समझे। बहुत जालिम है आप इंसान नहीं पत्थर है। खुदा करे आप भी मेरी तरह दिल के हाथों मजबूर हो जाएं। मुझे आपसे हमदर्दी है मोहतरमा, शायद आपको बदहजमी हो गई है। आप ऐसा कीजिए कि एक सेवन अप की बोतल दे दीजिए, एक मिनट में तबीयत हल्की हो जाएगी। आपकी सितम जरीफी का जवाब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम के मुझसे कहे कि हाय दिल। मोहतरमा ये तो बड़ा पुराना शेर है, इस पर तो मैंने भी गजल लिख रखी है, अगर आप कहें तो कुछ पेश करो। जी जी, आपको यकीन नहीं आता तो सुनकर देख लीजिए, एक एक लफ्ज में आपके जज्बात की तर्जमानी की गई है, सुनाओ। अगर आपने जुल्म पे कमर बांधी रखी है तो चलिए ये अरमान भी पूरा कर लीजिए। तो चलिए आइए, तशरीफ लाइए। सुनिए और जरा कलेजा थाम कर सुनिए। तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम कर मुझे कहे हाय दिल। तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम कर मुझसे कहे कि हाय दिल। तेरा किसी पे आए दिल, ये मेरा नहीं आपका ख्याल है। Oh,
तेरा भी दिल खुदा करे मेरे लिए हो बेकरार, तेरा भी दिल खुदा करे मेरे लिए हो बेकरार, मेरे लिए हो बेकरार। तू भी तड़प तड़प उठे ऐसी चले हवाएं दिल, तेरा किसी पे आए दिल तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कले जा थाम कर मुझसे कहे के हाए दिल, तेरा किसी पे आए दिल। ये मैं नहीं कही है भटके इधर उधर नजर, नींद ना आए रात भर भटके इधर उधर नजर, भटके इधर उधर नजर, चैन की हो दुआ मगर चैन कहीं ना पाए दिल, तेरा किसी पे आए दिल तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कने जा थाम कर मुझसे कहे के हाए दिल, तेरा किसी पे आए दिल। ये मेरे नहीं आपके जज्बात हैं। तेरे भी दिल में दर्द हो तेरा भी चेहरा जर्द हो, तेरे भी दिल में दर्द हो तेरा भी चेहरा जर्द हो, तेरा भी चेहरा जर्द हो, मेरी तरह ना मिल सके तुझको कहीं दवाए दिल, तेरा किसी पे आए दिल तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कले जा थाम कर मुझसे कहे दिहाए दिल, तेरा किसी पे आए दिल। यकीनन ये मेरी जिंदगी की दूसरी शिकस्त थी कि किसी ने आज मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाकर मेरे जज्बात का खून कर दिया। बात भी खोई इल्तिजा करके, शोलर हो क्या तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम कितनी खूबसूरत हो ये कोई हम से पूछे। तुम क्या हो ये तुम्हें साई नजरे खलूस है अगर कबूल हो जाए। नजरे खलूस मगर नजरे खलूस का कोई मौका भी तो होना चाहिए। नजरे खलूस के लिए किसी मौके की जरूरत नहीं, हर वक्त पेश किया जा सकता। जी नहीं, हर चीज अपने वक्त पर अच्छी मालूम होती है, यह तो बेवक्त की रागनी है। शोला रुख, तुमने मेरे जज्बात की कदर नहीं की और मेरा खलूस वापस कर दिया। प्रोफेसर साहब ये बेतुके जज्बात मेरी समझ में नहीं, आखिर मैं आपके लिए खलूस किस खुशी में करूं? मेरी शौक से लेकर आया, कम से कम ये तो देखो। सर मेरी खुददारी को ठिकाने लगाइए, बगैर मुकाबला जीते मैं कोई नजराना कबूल नहीं कर सकती। कितना खूबसूरत इनकार है, तुमने खुददारी की आड़ लेकर वाक कर दी, हमें तुम्हारी ये अदा पसंद आई। बहरहाल हम हाजिर, जब चाहो कबूल करो। मोहतरमा आज के दिन अच्छा गुजरेगा आपका, मगर जरा इधर तो देखिए एक फूल हम भी लिए फिरते हैं। मुझे जंगली की नहीं असली फूल की जरूरत है। असली ना हो तो फेंक दीजिए। देखिए मिस्टर बनाने की कोशिश मत करें, मुझे असली और नकली की पहचान है। अगर आपको असली और नकली की पहचान होती तो आप फौरन हमें गले से लगा लेते। मेरा दिमाग तो खराब नहीं कि आपको गले से लगाती थी,
मैं इसी मुसीबत से पागल समझे। मैं क्या बोल सकता हूँ, सुनिए तो, दुनिया गोल है, कभी न कभी कहीं न कहीं। अरे कमबख्त, वो तो मोहब्बत का कायल ही नहीं है। अरे तू भी तो पत्थर से टकरा रही है, तुझे क्या मालूम कि वो क्या है। हीरे की कदर तो जौहरी जानता है। अरे वाह रे मेरे जौहरी, क्या हीरे की पहचान की है। सच किसी ने कहा है कि मोहब्बत अंत ही होती है। अरे मोहब्बत करना मुझसे सीख, पीछे पीछे घूमता है मगर गत नहीं डालती। कौन पीछे पीछे घूमता है। अरे वही अनवर जिस पे मैं खुद मरती हूँ, मगर जब सामने आता है तो फौलाद की दीवार बन जाती हूँ। तेरे जैसे दिल कहाँ से लाऊं। फिर हाय ओई ही किए जाओ, तुम उस पे जान दिए जाओ और प्रोफेसर तुम पे जान दिए जाओ। किस कमबख्त शराबी का नाम लेकर मेरा दिल जलाती है। मुझे तो उसकी सूरत से नफरत है, मगर एग्रीमेंट से मजबूर हूँ। है तो वाकई बड़ा खराब आदमी, हर वक्त शराब पिए रहता है। तीन चीजें मेरी किस्मत में लिखी हैं, साकी, शराब और नफरत, और यही तीनों चीजें मेरी जिंदगी। बॉस रागी बाबा हाजिर है। पेश करो। चलिए बाबा। आओ बाबा बैठो। हमने तुम्हारे गाने की बड़ी तारीफ सुनी। शुक्रिया। हमने सुना है कि तुम्हारे गाने में बड़ा दर्द और सोज होता है। लोग तुम्हारे गाने को टूटे हुए दिल की पुकार कहते हैं। लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे बाबूजी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मैं तो ना कोई गवैया हूँ और ना शायर हूँ, बस एक टूटा हुआ दिल हूँ और टूटे हुए दिल की आवाज। तो आज हम भी टूटे हुए दिल की आवाज सुनना चाहते हैं, मगर एक शर्त पर। शायद आपके हाथ में शराब का गिलास है, पहले इसे फेंक दीजिए। किस लिए? ये तो मेरे शराब की तोहीन है। और ये शराब मेरे नगमे की तौहीन है। मेरे नगमे अय्याशों के लिए नहीं, अहले दिल के लिए है। हमसे बढ़कर अहले दिल कौन हो सकता। जुड़ने के भी काबिल दिल बर्बाद नहीं है। टुकड़े कहाँ के हमें कुछ याद नहीं है। यहाँ कदर क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कदर क्या दिल की होगी, यहाँ कदर क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कदर क्या दिल की होगी। मोहब्बत का दिल ठोकरों में कीमत यहाँ पत्थरों की। यहाँ कदर क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कदर क्या दिल की होगी। बड़ी सादगी से जमाना कहानी का रुख मोड़ता है। बड़ी सादगी से जमाना कहानी का रुख मोड़ता है।
निगाहों की बेगानगी से मोहब्बत का दिल तोड़ता है, नजर खेलती है दिलों से, ये महफिल है बाजीगरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। जहाँ प्यार वक्ती तकाजा, वहाँ जिक्र क्या हो वफाता, जहाँ प्यार वक्ती तकाजा, वहाँ जिक्र क्या हो वफाता, धुआं बन के जज्बात निकले, खुलूस एक झोंका हवा का, कहाँ जाए हम दिल को लेकर, ये बस्ती है सौदागरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। मोहब्बत का दिल ठोकरों में, कीमत यहाँ पत्थरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। वाकई तुम्हारा गाना एक शिकस्ता दिल की आवाज है, तुमने शायद किसी से प्यार किया। मुझे तुम्हारी ये अदा पसंद आई कि तुमने मेरा ही जाम तोड़वाकर दिल टूटने का मंजर पेश किया। जाम में और दिल में बड़ा फर्क होता है बाबूजी। दिल टूटकर कितने टुकड़े हो, ये दिल जानता है या मैं जानता हूं। संगीत के सहारे अगर दिल का दर्द न निकालो तो मेरा दम घुट जाए और सीना फट जाए बाबू। हम तुम्हारी कुछ मदद करना चाहते हैं। बहुत मेहरबानी बाबूजी, आपकी इतनी ही हमदर्दी काफी है कि आप मुझे यहाँ से वापस भिजवा दें। मगर हम तुम्हें कुछ इनाम देकर वापस भिजवाना चाहते हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मगर जिन हाथों से शराब पी जाती हो उनके आगे हाथ फैलाना मेरे मजहब में कुफ्र है। तुम्हारा मजहब क्या है? इंसानियत। बेवकूफ बुढ़े, शराब पीकर ही तो इंसान में इंसान नजर आता। लेकिन मेरे नजदीक इंसान शराब पीकर शैतान बन जाता है। बंद करो ये प्रीचिंग। मालूम होता इस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। हम इसकी मदद करना चाहते थे और ये शराब के मुतालिक बकवास करता है। बदनसीब है, इसे अंधा ही रहने दो। बाबूजी, तुम खुदा नहीं इंसान हो और इंसानों जैसी बातें करो। ले जाओ इस बुढ़े को और जहां से लाए थे वही जाकर फेंक दो। चलो छोड़ो मुझे। तुम सारा मूड ऑफ। देखो मिस्टर, अगर तुम्हें तकरीर करने का इतना ही शौक है ना तो जाओ किसी कॉलेज में स्पीच करो या लक्ष्मी चौक में मजमा लगाओ। कल मुझे तगड़ा चुका। अच्छी बात नहीं, मैं कहता हूँ मोहब्बत जैसी मुकद्दस चीज का तू कायल क्यों नहीं? अनवर साहब, मैं आपको किस तरह समझाऊं कि जिस दिन से मैंने वो हुस्न की देरी वाला गाना सुना है बस उसी दिन से मुझे मोहब्बत के लफ्ज से नफरत हो गई है। अब मैं इश्क और मोहब्बत को फ्रेब और फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं समझता। डेट्स ऑल। आप बेवकूफ और गधे हैं। अनवर साहब, मैं बेवकूफ और गधे के कहने का बुरा नहीं मानता, मगर इतना जानता हूं कि हर मोहब्बत में एक हरज होती है, समझे? तो आप में कौन सी ऐसी शाख जाफरान लगी हुई है जो शोला रुख आकर मरती है? मरती नहीं अनवर साहब, वो एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी है और तू गलत फहमी का शिकार हो चुका है। उस्ताद, अब मेरी भी शादी करवा दो, मैं मजीद तुम्हारा नहीं रह सकता। बकवास ना करो चरगे के बच्चे, खबरदार मेरे सामने शादी का नाम लिया। हाँ बता, इश्क कर सकते हो? हाँ तो मिस्टर अनवर साहब, सिगरेट का एक कश लगाकर मुझे ये बताइए
कि आपके इश्क का क्या हाल है। हाय, प्यार तो करती है मगर इकरार नहीं करती। जरा फिर कहना। प्यार तो करती है मगर इकरार नहीं करती। प्यार तो करती है मगर इकरार नहीं करती। वाह 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 वाह। अनवर साहब, वल्ला कसम आपके इसी थॉट को मैं एक अनोखे अंग में पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद कीजिए। अर्थ क्या है कि समझ में ही नहीं आती सियासत हुस्न वालों की। वाह वाह वाह। समझ में ही नहीं आती सियासत हुस्न वालों की, कभी इकरार करते हैं कभी इनकार करते हैं। वाह वाह वाह। जी और दूसरा शेराज है कि बड़े जालिम बड़े कातिल बड़े बेदर्द होते हैं। बड़े जालिम बड़े कातिल बड़े बेदर्द होते हैं कि दिल का खून करके प्यार का इजहार करते हैं। वाह 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 वाह। क्या धारणा है कि दिल का खून करके प्यार का इजहार करते हैं। हाँ, और अर्थ क्या है। ज़माने से अपना वो ज़माने से अपना तसव्वुर जुदा है। वो ज़माने से अपना तसव्वुर जुदा है। खुदा है मोहब्बत खुदा मोहब्बत मोहब्बत खुदा है। खुदा है मोहब्बत मोहब्बत खुदा है। हमें भी खबर है हमें भी पता है। खुदा है मोहब्बत मोहब्बत खुदा है। खुदा है मोहब्बत मोहब्बत खुदा है। खुदा है God is love is God love is God love is God God is love love is God love is God love is God। फूलों से चली चल के मोहब्बत पे रुकी बात बातों में सहन। शाम हुई शाम से फिर रात बातों में सहन। शाम हुई शाम से फिर रात टकराए जो गुफ्तार में जज्बात से जज्बात। बुलबुल ने किया चमक इजहारे गुलजार में आके गुंजों ने कहा रुख से नकाबों को हटा के। क्या फायदा अब राज मोहब्बत का छुपा के। क्या फायदा अब राज मोहब्बत का छुपा के। हर सुबह को हम सुनते हैं पैगाम सपा के। शबनम से वजू करके निगाहों को बिछा के निगाहों को बिछा के निगाहों को बिछा के। कहते हैं क्या कहते हैं अदब से सर तस्लीम झुका के। खुदा है मोहब्बत खुदा है मोहब्बत मोहब्बत खुदा है मोहब्बत मोहब्बत खुदा है। God is love love is God love is God love is God। जब
परेशान, क्या भूल गए चांद सितारों को ये नादा, क्या भूल गए चांद सितारों को ये नादा। दुनिया मोहब्बत में हमी से है चरावा, करते हैं हमी जाप मोहब्बत में गरीबा, मोहब्बत में गरीबा, मोहब्बत में गरीबा। कोई शम्मा का मुँह चूम रहा था, नगमा जो सितारों का सुना, जल के ये बोला, करते हो मेरे सामने तुम इश्क का दावा, करते हो मेरे सामने तुम इश्क का दावा। शर्माओ जरा लेते हुए नाम वफा का, लिपटा लिया सीने से भड़कता हुआ शोला, जी भड़कता हुआ शोला, हाँ भड़कता हुआ शोला, जल जल के या जल जल के हुआ खाक तो मुँह से यही निकला। खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है। God is love, love is God, love is God, love is God, God is love, love is God, love is God, love is God. हाजरीन, इस मुकाबले की जीत में प्रोफेसर अरसलान की पार्टी को मुबारकबाद दी जाती है। शुक्रिया। और 10,000 रुपये के साथ ये कप इनाम में पेश किया जाता है। तो क्या इस जीत की खुशी में यह हार में अपने फनकारों को मुकद्दर से कोई नहीं जी सकता। मायूस क्यों होती हो शोला रुख, मैं तुम्हारी शिकस्त को पता में बदल सकता। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि मैं तुम्हारा हूं? तुमने मुझे जीतकर सारी दुनिया को जीत लिया। मैं आपका मतलब समझने के बावजूद इन बातों का खुलासा चाहती हूँ। खुलासा यह है कि तुम मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा करके मेरी जिंदगी की मालिक बन चुकी हो, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी समझ चुका हूँ, समझी? वाकिफ नहीं। शायद तुम भी मुझसे वाकिफ नहीं। मुझे वाकिफ होने की जरूरत भी नहीं, और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं आपके इस म्यूजिक सेंटर में आपकी जिंदगी बनने के लिए नहीं आई हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि हादसात को कोई नहीं रोक सकता, दिल गरीब को तुम्हारी निगाह नाज का शिकार होना था तो हो गया। प्रोफेसर साहब, दिल गरीब की कहानी आप किसी और को सुनाइए। मेरे और आपके एग्रीमेंट में ना दिल गरीब है और ना निगाह नाज। अगर आइंदा आपने मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू की तो मैं आपका म्यूजिक सेंटर छोड़ के चली जाऊंगी। जाओगी कहाँ, तुम्हें जाने कौन देगा? मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं एग्रीमेंट की भी परवाह नहीं करती। ओहो, ये अंदाज, ये तेवर, हमारी शख्सियत और हमारी दौलत की भी परवाह नहीं। मैं दौलत और शख्सियत से मरूब नहीं होती, मैं फन से मोहब्बत करती हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक फनकार के कदमों में अपनी मोहब्बत कुर्बान कर चुकी हूँ। कौन है वो फनकार? वही जो मुझे 2 मर्तबा जीत चुका है और मेरी जिंदगी बन चुका है, जो मेरी हयात भी है और मौत भी। मेरी हयात में तुम किसी की नहीं बन सकती, मेरे इंस्टीट्यूट में ये कभी नहीं हो सकता। जो होना था वो हो चुका, दिल का फैसला ना आप बदल सकते और ना मैं बदल सकती हूँ। फैसला तो क्या, मैं तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदल सकती। सोच लो। सोच लिया।
पछताओगी? परवाह नहीं, मुझे तुम्हारे हुस्न की बदनसीबी पर तरस आता है, वरना तुम्हारी क्या मजाल की इस तरह बात। अनवर साहब, आप तो वाकई कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग मालूम होते हैं। यानी कि आपने ठीक फरमाया था कि शोला भी मुझसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत नहीं करती है, इश्क करती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। यानी कि प्रोफेसर परवेज की मोहब्बत को ठुकरा कर उसने मेरी लाइफ का प्रोग्राम ही बदल दिया। और मैं जो इतने दिनों से रो रहा था, तो तुझे मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? मैं वाकई बेवकूफ था जो मोहब्बत में बिलीव ही नहीं करता था। मगर बस आज से मेरा मजहब मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। मगर यार अनवर साहब, जरा ठहर जा, मुझे जरा सोचने दे, जरा नापने दे, जरा तोलने दे, जरा समझ लेने दे। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। उस्ताद फिर पलटी खा गया? अबे पलटी नहीं खाई, तेल देख रहा हूँ, तेल की धार देख रहा हूँ। क्यों अनवर साहब, तू नहीं जानता ऊ चक्के कि औरत कितना गहरा समंदर है। अल्लाह महदूद गहराई, जरा इसे साइन कर दीजिए। आज पहली तारीख है ना? 3000। जी हाँ, और ये 1000 मेरी तरफ से। रख लो अनवर साहब, कहीं काम आ ही जाए, और जरूरत पड़े तो मांग लीजिए। और ठीक है, क्या जाएगा, तेरी लाश में मछली खाएंगे। जी आपने मुझसे कुछ फरमाया? जी नहीं। शरीर। सलाम बेबी जी। सलाम। ये सलमू साहब ने आपको भेजा है। सलमू साहब ने? जी हाँ। तो उसके सामने दूसरा दरवाजा था, दूसरा दरवाजा खोला तो सामने बाथरूम का दरवाजा था, बाथरूम का दरवाजा खोलते ही सामने नंगी लाश खड़ी थी। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं इसको आपकी बदतमीजी कहूँ या तौहीने मोहब्बत? आखिर आप मुझे किस किस तरह सताएंगे, कहाँ तक मजाक उड़ाएंगे, कुछ मालूम तो हो। देखिए मोहतरम माम, मैंने तो अपने गुस्ताखियों की माफी मांगी है। तो गुस्ताखी की माफी क्या बक्स में रख के मांगी जाती है? जी हाँ, बड़े अदब से बक्स में बंद करके, और अगर पसंद नहीं तो वापस कर दीजिएगा, गल में कोई चगड़ा चुका। मैं कहती हूँ, माफी मांगने का आखिर कौन सा तरीका है? बेहद शायराना। डरती हूँ कहीं मेरे दुखे दिल की आ ना लग जाए आपको। लगती है तो लग जाए, मुझे तो हसीनों के सताने में मजा आता है। कल सुनो कुड़िए, मेरे नाल बहुता मथा ना लाई। Yeah.
शराब पीते हो तो फिर तुम्हारे और हमारी दोस्ती खतरे में। यार सलमू, दोस्ती के लिए तो हर खतरा मोल लिया जाता। फिर तुमने बात को उलझा दिया, आखिर खतरे का मतलब क्या? देखो, फिलहाल तो हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं ना, फिर कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं, फिर बता दो। ठीक है, अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि पहले बाबा को पार्क में देखते हैं, अगर वहां न मिले तो उनके घर चले जाओ। बेकार कर दो कि ना रहे पास ना बजे बंसरी, समझे? बिल्कुल समझ गए, ऐसा ही होगा। ये लोग तो मेरे लिए कबाब में हड्डी बन गए। इत्मीनान रखें, इन तीनों की हड्डियां पसलियां बराबर कर दी जाएंगी। अच्छा मैं चलता हूं, तुम लोग मौके की तलाश में रहो। बेहतर है। एक दो तीन चार पाँच छह। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं? पैसे अनवर साहब जरा इन्हें बताइए। मेरे ख्याल में आप बता दो। नहीं, लेडीज फर्स्ट। अच्छा लीजिए, ऐसी मर्जी है। Thank you.
यार ना जाने वो डाकू कौन थे, मगर यार फाइट का मजा नहीं आया। यार अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, फिर कभी लड़ लेंगे। तुम ऐसा करो किसी दिन रागी बाबा को लेने चले जाओ, मैं डॉक्टर को लेने जाता हूँ, कहीं वो निकल ना जाए। मगर रागी बाबा के घर का पता तो बता दो। अबे पता बिल्कुल सीधा साधा है, शिमला पहाड़ी के आगे एक मैदान आएगा, मैं मैदान के थोड़ा सा आगे एक टीला आएगा, टीले के ऊपर रागी बाबा का झोंपड़ा है, गल मुखी झगड़ा चुका। और ये झोंपड़ा कहाँ पर मिलेगा? अब पीपल के दरख्त के सामने। पीपल का दरख्त कहाँ पे मिलेगा? अबे झोंपड़े के सामने। और ये दोनों कहाँ मिले? अबे दोनों आमने सामने है, कह जो दिया, जाओ ना देर हो रही है। पहले तुम जाओ। मैं पहले? मैं लेडीज फर्स्ट। ताज्जुब है, वो तीन मच्छर तुम लोगों के हाथों से बचकर निकल गए। बच के कहां जाएंगे बॉस? बकरे की मां कब तक हर मनाएगी? मैंने सुना है कि वो लोग किसी हॉस्पिटल में उस बुड्ढे की आंखों का इलाज करवा रहे हैं। जी हां बॉस, हम लोग उनकी ताक में और मौके की तलाश में। मेरे ख्याल में वो लोग आसानी से तुम्हारे कब्जे में नहीं आएंगे, मुझे ही कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। लीजिए डॉक्टर साहब ये 3000 रुपए का चेक, बाकी बिल ऑपरेशन के बाद अदा कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब आप पैसों की फिक्र न करें, बस रागी बाबा का ऑपरेशन कामयाब होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, आप इतनी ना रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये रागी बाबा अपनी आंखों से किसी को देखना चाहते हैं। मैं अब किसी को नहीं देखना चाहता बेटी, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। आइए रागी बाबा। बाबा मैं अभी आप ही की बात कर रहा था, मैंने आपको अस्पताल में दाखिल करा दिया है, 8 दिन के बाद आपका ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा बेटा, इस वक्त सिवाय दुआओं के मैं तुझे और क्या दूं, खुदा वो दिन लाए कि मैं तुझे देख सकूं। अच्छा देखो नर्स, मरीज को 4 नंबर कमरे में ले जाओ। अच्छा सर, और अच्छा डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे टेलीफोन कर दीजिए। खुदा हाफिज़। जी बेहतर, खुदा हाफिज़। भाई 10 के 10:15 बज चुके हैं, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो। तो मैंने कहा। क्या कहा? सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? मगर आपको बार बार पूछने की क्या बीमारी? फिर भी पता तो चले ना। फिर रागी बाबा को देखने जाना है, उनकी आंखों से पट्टी खुलने वाली। अच्छा अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छा। मिस्टर क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब प्रोफेसर साहब को इतना बोल दीजिएगा कि रागी बाबा हमारे पास यहीं रहा करेंगे। जरूर बोल देना। थैंक यू यार, बहुत अच्छे आदमी। चलो यार। बड़ी कुदरत वाला है तू, बड़ी कुदरत वाला है बेटा। फिर वही एक बात कि इस वक्त मैं तुझे सिवाय दुआओं के और कुछ नहीं दे सकता, कभी वक्त आया तो ये जिंदगी जरूर दे दूंगा। काश मेरी ये जिंदगी तेरे काम आए। अच्छा चलिए बाबा घर चलिए। किसके घर बेटा? हमारे घर बाबा। तुम्हारे घर? हाँ बाबा हमारे घर। अच्छा डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। चलिए बाबा। बाबा अब आप ही का घर है। बेटा खोई हुई आंखें मिल गई, तुम जैसा बेटा मिल गया, अब और मुझे क्या चाहिए? बाबा मैं तो कहता हूं कि आज से आप पिछली जिंदगी को बिल्कुल भूल जाए। अच्छा बेटा, अब मैं तेरे सिवा सब कुछ भुलाए देता।
जी फरमाइए। मिस्टर स्नान कहाँ? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, देखो सलमू साहब को हमारा सलाम कहो और उन्हें कहो कि म्यूजिक सेंटर की तरफ से हमने कल पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, लहजा कल सब तैयार रहे। राइट सर। हेलो नासर। हाँ भाई, देखो तुम लोग सब तैयार रहो और कल 2 बजे के बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाना, मौका देखकर काम कर डालना, समझे? ओके बॉस। अरे भाई, मैं आधी दुनिया तक घूमा और तुम लोग अभी तक मारते खा रहे। आइए आइए, आप ही कलूला फरमाइए। अरे यार, इसका लूला का कुछ प्रोग्राम भी तो होना चाहिए ना। हाँ ठीक कहते हैं आप, वरना पिकनिक का मजा ही क्या आएगा। अभी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। मेरा ख्याल है आप कबड्डी भी कर सकते हैं। जी नहीं। कुश्ती भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल गलत। रसाकशी भी कर सकते हैं। बिल्कुल गलत। तो फिर क्या होना चाहिए साहब? कोई म्यूजिकल प्रोग्राम। और यार म्यूजिकल प्रोग्राम से पहले ही बोर हो गए हैं, कोई नई बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो फिर कुछ शेर शायरी होनी चाहिए। ये शेर और शायरी से कुछ खाना हजम होने का इम्कान है, अगर आ गया तो। हो सकता है जी आ गया। हाँ तो क्या ख्याल है विश्राम? बिल्कुल दुरुस्त है। इश्क ना सही, कुछ नो नो ओनली टेटे। लेकिन पहला नंबर मिस नाजनीन का होगा। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक। मैं कोई शायरा तो नहीं हूँ जी। सुनाना पड़ेगा जी। आप कोई भी शेर सुना दीजिए, हम उसे आपका ही समझ लें। क्या इरशाद? अच्छा तो फिर मैं अपनी पसंद का एक शेर सुनाती हूँ आपको। सुनाइए। क्या नहीं चलता? अरे सुनिए, इरशाद किया है। क्या किया है? शेर ये ठीक नहीं इश्क दीवानों से। सुनिए तो, ठीक नहीं। शेर ये ठीक नहीं इश्क दीवानों से। आप उलझा ना करें चाक गिरे बानो। इरशाद कि मैं ये दीवानगी इश्क कहाँ तक रोकूं? मैं ये दीवानगी इश्क कहाँ तक रोकूं? सुनिए तो सही, बाद में खा लीजिएगा। और निकले पड़ते हैं ग्रेबान ग्रेबान। शोला रुख कुछ इरशाद। चलिए मैं अपनी पसंद का एक शेर सुनाती हूँ। सुनाइए। मुलायजा, आप फरमाए तो हम आपसे इतना कह दे। आप फरमाए तो हम आपसे इतना कह दें, जिंदगी भर के लिए आपको अपना कह दें। क्या है कि निगाह नाज से दिल का सवाल करते हो? निगाह नाज से दिल का सवाल करते हो, नजर से करते हो बातें कमाल करते हो। कोई छुरी न कटारी न कोई काचू है, कोई छुरी न कटारी न कोई चाकू है। अरे आंखों आंखों में हमको हवा। छुरी तले पत्ते डाल दे। Thank you.
प्लीज अंडरस्टैंड मी डॉक्टर. यस यस आई अंडरस्टैंड. डोंट यू वरी. डॉक्टर साहब आपने इनकी आंखों का मुआयना किया? जी हाँ. केस बहुत सीरियस है. फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता. डॉक्टर साहब आप पैसों की परवाह ना करें. जितने पैसे चाहे आप मुझसे ले लें. मैं अपना सब कुछ बल्कि ये जिंदगी बेच कर भी इनकी आंखों का इलाज कराना चाहती हूँ. ये तो ठीक है. कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इनकी आंखें ठीक कर दीजिए. अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरी आंखें इनकी आंखों में लगा दीजिए. मैं इनको अंधा नहीं देख सकती. खुदा के लिए डॉक्टर. बस डॉक्टर साहब मेरी आंखें मुझे मिल गई. अब इलाज की जरूरत नहीं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. जी ये आपका आखिरी इम्तिहान था मोहतरमा. आज से आपका इम्तिहान खत्म हो गया है. आज के बाद जिंदगी भर के लिए आप मेरी हैं और मैं आपका हूँ. गल मुखी टकरा चुका. क्यों चौधरी साहब? ठीक है भाई. अच्छा फिर अनवर साहब आप ऐसे कीजिए जी कि एक अदद काजी का इंतजाम कर लीजिए और एक अदद शेरा लिखा दीजिए. शादी की गल पक्की. चल चल लीजिए. अभी चलो हॉस्पिटल. चलिए जी. सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब. जिंदगी भर के लिए आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा. कसम खाइए. कसम की जरूरत नहीं. इन आंखों में झांककर देखो. इनमें सिर्फ तुम ही तुम नजर आओगी और हमेशा नजर आती रहोगी. सच? हाँ अब तो मेरी जिंदगी बन चुकी हो. सलमू आओ चले. कहाँ? भाई शादी का इंतजाम नहीं करना. बड़े वो हैं आप तो. चलो. सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं. सूरज गुरूब होता है तो मेरा सागर तुलु होता है. लेकिन दोस्तों ये शराब बहुत बुरी चीज है. शराब कभी ना पीना. कभी ना पीना. फिर तुम क्या पीते हो? ये वही सवाल के मैं क्यों पीता हूँ. अरे कह तो चुका हूँ कि मैं इसलिए पीता हूँ कि यादें न सताएं, गम याद न आए. हाय अल्लाह आप शराब पीते हैं? जी मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझती थी. जी नहीं मैं बहुत खराब आदमी हूँ. और अच्छा हुआ जो आज आपने खुद भी देख लिया. और बहुत अच्छा हुआ जो आपने मेरा प्यार कबूल नहीं किया. वरना मैं कहीं का ना रहता. क्यों? जिस बेवफा को मैं भूलना चाहता था आज उस बेवफा ने मुझे याद किया. मगर वो बेवफा नहीं है. वो जिंदगी के हाथों मजबूर थी. जिस शायदा को मैं बेवफा समझता था ये उसी मजबूर लड़की का खत है. लिखती है अनवर मेरी बारात तुम्हारे घर के आगे से गुजर रही थी और मैं सेरे की जंजीरों में जकड़ी हुई तुम्हारे सामने से जा रही थी. मगर खामोश थी. एक जनाजा था जो बारात के साथ चला जा रहा था और एक आवाज थी जो चली आ रही थी. बेवफा शायदा. बेवफा शायदा. मरहूम शायदा. तो क्या आप किसी शायदा से मोहब्बत करते थे? जी हाँ जब मैं जिंदा था. अब तो मैं जिंदगी से बहुत दूर हूँ. आज मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं कुछ देर बहलने के लिए आपसे खेल रहा था. पीता हूँ. अगर ये मैं तुझे बता दूँ तो रोते रोते तेरा दामन भी भीग जाए. मगर तेरे साथ ऐसी कौन सी ट्रेजेडी हुई जिसे सुनकर मेरा दामन भी हाथों से भीग जाएगा? बता क्या मुसीबत है तुझे? खत को पढ़ ले और समझ ले मैं किस लिए पीता.
इसलिए पीता हूँ के याद ना सताए, मैं इसलिए पीता हूँ के याद ना सताए, याद ना सताए, हम याद ना आए, मैं इसलिए पीता हूँ के याद ना सताए, मैं इसलिए पीता हूँ। आँखों के तसव्वुर में उठा लेता हूँ सार, आँखों के तसव्वुर में उठा लेता हूँ सावर, पी लेता हूँ दो घूंट के पहले दिले मुझ पर, महसूस ना हो फिर किसी आंचल की हमारी, मैं इसलिए पीता हूँ के याद ना सताए, मैं इसलिए पीता हूँ। दुनिया मुझे दीवाना समझ ले, कोशिश में हूँ दुनिया मुझे दीवाना समझ ले, साया भी मेरा अब मुझे बेगाना समझ ले, मुड़ मुड़ के देखती रह जाए वफा, मैं इसलिए पीता हूँ के याद ना सताए, मैं इसलिए पीता हूँ। जाम मुझे चाहिए अंजाम से कुछ दूर, एक जाम मुझे चाहिए अंजाम से कुछ दूर, बैठा रहूं तन्हा दिले नाकाम से कुछ दूर, एक मैं हूँ मेरे साथ हो खामोश फजा, मैं इसलिए पीता हूँ के याद ना सताए, याद ना सताए, गम याद ना आए, मैं इसलिए पीता हूँ के याद ना सताए, इसलिए पीता हूँ। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं तुझे समझा नहीं था, लेकिन खुदा के लिए एक एहसान मुझ पे कर दे कि शराब पीना छोड़ दे, मुझे एक दोस्त की जरूरत है, दोस्त की जरूरत है, और तुझ जैसा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। नहीं पियोगे, कभी नहीं पियूंगा, तू कहता है तो नहीं पीऊंगा, एक दोस्त की खातिर नहीं पीऊंगा कभी नहीं। परवरदिगार तेरी कुदरतों का नहीं कुछ शुमार, तूने आज मुझे इन आंखों से वो दिन दिखाया है जिस दिन के देखने की मुझे जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी,
मैं गुनाहगार इस काबिल नहीं कि तेरा शुक्र अदा कर सकूं। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, आज आज मैं तेरी रहमतों से शर्मिंदा। बाबा आज तो आप भी चमक रहे हैं। क्यों ना चमकूं बेटे, आज तो मेरे सलमू की, मेरा मतलब है कि असलम साहब की शादी है ना। अच्छा बाबा मेहमान आ रहे हैं। हाँ 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 आओ बेटा, आओ आओ इनकी समझे। इस वक्त वो अपने कमरे में दुल्हन बनाई जा रही है। कमरे में सिर्फ वो है और उसकी एक सहेली, बहुत होशियारी से। राइट बॉस। मैंने गूंधी है दुआओं से लड़ी तेरे की, और किस कदर मन्नतें मानी तो ये दिन आया है शुक्रिया। अरे किस कदर मन्नतें मानी तो ये दिन आया है, तेरी तकदीर से तकदीर लड़ी तेरे की। हाय 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 हाय, उस्ताद खत्म हो गया, दुल्हन को बदमाश उठा कर ले गए। जाओ तुम उस्ताद बने, अपनी आंखों से देखा था बदमाश सोना रुपए नासिर को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल रहे। वो तो तूने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? मैं पकड़ता कैसे, देखते देखते गाड़ी हवा हो गई। अनवर साहब सर पे कफन बांध लो और ये समझ लो कि वक्त शहादत आ पहुंचा। मगर आप लोग जाएंगे कहाँ? हमें कुछ नहीं मालूम प्रोफेसर साहब के, हम कहाँ जाएंगे, बस सब तो जिंदगी मौत तक क्या तक। और जिन्हें साढ़े दिन मत लगाया उसी मां ने भी बैर दिखाए। ये सब क्या है? क्या बताएं बस? बता दे क्यों नहीं, ये सब लोग कहाँ चले? हम तो इतना देते हैं, वो जान लेने और जान देने गए। जान लेने और जान देने, क्या कह रहे हो? कुछ बदमाश दुल्हन को उठा कर ले गए। क्या कह रहे हो? दुल्हन को उठा कर ले गए। आप कहाँ चले? अब मैं भी इस जान का क्या करूंगा प्रोफेसर साहब, क्या करूंगा इस जान का? अच्छा है जो किसी के काम आ जाए। जाइए बाबा लोग, कौन मालूम नहीं कौन है, कल देख ही लेते। शाह साहब यही है वो, यही है वो, दुआने दो दुआने दो, किमानानम 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 हमीदानम 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 दरीचेशक दरीचेशक। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम आगे आगे जा रहे हो बच्चा, और माँ तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। जी हाँ, ये कालू जट और तू जालू जट दोनों दोस्त हो ना? या बाबूजी अब कीजिएगा जाता, तुम्हारा सरदार एक चक्कर में है और ये चक्कर मौत का भंवर है जो तुम सबको ले डूबेगा। तुरंत तो क्या मैं भी डूब जाऊंगा बाबा जी? हाँ, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो जरूर डूब जाओगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बच्चे? तुम मरना चाहिए शाह साहब, तुम्हें क्या करना चाहिए? ये सब कुछ तो तुम्हारे सरदार का हम देख कर हम बताएंगे। तो फिर चलिए आपको अपने सरदार से मिलवा दें। आप तो बड़े पहुँचे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। इतनी बिगड़ी बनाने को बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से। बम 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 बम। ये देख, मैंने असल लड़कियों के नाम आपका और शोला रुख का नाम लिख दिया है, दस्तखत करवा लीजिए, इस सनद के लिए काफी है। ठीक, थैंक यू सर। हजूर हम आपके लिए तीन दबेज लेकर आए हैं। किस्मत का हाल और दिल की बातें बताते हैं। बहुत ही साहेब कमाल मालूम होते हैं हजूर, इन्होंने मेरा अगला पिछला सब कुछ बता दिया।
पर खुरदार हम बैठ सकते। तशरीफ रखिए। लगते तो साहब कमाल हमारी मुश्किल आसान करें तुम्हारे। मुश्किल के आसान शब्द मर्द बायत के हिरा आसान शब्द देखो सर तुम लोग जाओ। ओके सर। चलो रोक दो। जरा सामने ला अपना हाथ दिखा अभी सब पता चल जाएगा। तू एक लड़की के जाल में है या लड़की तेरे जाल में? क्यों ठीक है बात तो दोनों तरह की है। ठीक है तो मैं समझ ले कि ये लड़की तेरा सत्यानाश करके बेड़ा गर्क कर देगी तेरी नैया डबो देगी। क्यों शाह साहब तरी चीचा तरी चीचा तरी चीचा तरी। ये क्या चक्कर है कि लड़की तेरे जाल में है लेकिन उसका किसी और के ख्याल में? यही तो चक्कर है बाबा किसी तरह मानती नहीं। तू किसी तरह उस लड़की का चेहरा करा सकता है मुझे? तो क्यों नहीं बाबा आपसे क्या पता? अच्छी है मगर विद्दी है। लड़की जरा अपना हाथ ला। तेरे हाथ की रेखाएं बताती हैं कि तेरे प्यार का भोला और दुश्मन का मुंह काला। तो ये तुम लोग? हाँ मैं हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया कि खुद ही पिंजरे में चले आए। पिंजरे में नहीं आए हैं एक गुंडे के चेहरे से शराफत की नकाब उतारने आए हैं। कहाँ तक उतारो? सोसाइटी के स्टेज पे हर चेहरा नकली नजर आएगा। अब नजर नहीं आएगा प्रोफेसर साहब क्योंकि आवाम को असली और नकली की पहचान हो चुकी है और तुम जैसे बहरूपियों से वाकिफ हो चुके हो। अंजाम जानती है। अब इससे बुरा अंजाम क्या होगा? अगर तुमने दस्तखत ना किए तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ूंगा। लड़कियों से क्या बात करता है?
इधर मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर, तेरी सूरत तो आज मैं बिगाड़ूंगा। तो तू वही बूढ़ा है ना जिसे मैंने अपनी महफिल से निकाल दिया? हाँ मैं वही बूढ़ा हूँ, लेकिन आज तेरी मौत बंद कर आया हूँ। तेरी मौत तो यकीनी है, लेकिन मरने से पहले ये बता दे कि तू यहाँ पहुँचा कैसे। तो आज अगर समंदर की तह में भी होता तो वहाँ से भी मैं तुम्हें निकाल लाता, क्योंकि जिस दुल्हन को तू उठा कर लाया है वो मेरी बहू है। अच्छा, तो तू अपनी बहू को लेने आया है? हाँ, मैं बहू को भी लेने आया हूँ और तेरी जान भी लेने आया हूँ। हटिए बाबू। शोला रो, इस कागज पे दस्तखत करती हो कि नहीं? नहीं 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 नहीं। अच्छा, इसका बंदोबस्त भी कर ले। बेटा, बदनसीब बाप, गुनाहगार बाप, बाप जो शर्म से अपने बेटे को बेटा न कर सका। अंडा। जी हाँ, ये है वो मिस्टर परवेज। गिरफ्तार कर लो। मैंने अपने शरीके हयात और एक मासूम बच्चे के साथ बेवफाई की, तो किस्मत और मोहब्बत ने मुझसे बेवफाई की। मेरा भी वही अंजाम हुआ जो एक बेवफा का अंजाम होता है। एक रात को बेवफा